पापा, पापा, अरे पापा आपसे बात कर रहा हूं। पूरा दिन फोन यूज किया करो आप। रिटायर आप हुए हो, आपको काम नहीं है, पर मुझे बहुत काम है। वो गाड़ी साफ कराने को बोला था, कराई आपने? आप गाड़ी तो साफ करवा दी। और 12 बजे अक्षु को स्कूल से लेके आना है, याद रहेगा ना? याद रहेगा, ले आऊंगा। आ गया बेटा तू? क्या आ गया पापा, इतना टाइम लगता है गेट खोलने में आपको? एक तो खाली बैठे हैं पर से काम भी नहीं होता। रक्षक, ये तू कैसे बात कर रहा है पापा जी से? मैं सुबह से देख रहा हूँ तू ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो और कैसे बात करूं भाई, एक भी काम ठीक से होता नहीं है इनसे। इनको पता भी है नौकरी में कितना काम करना पड़ता है। अरे रक्षक तू समझ। तू बेटा रहने दे, काम करना तो खाली इसे ही आता है ना। ये तो यही चाहता है ना कि 7 साल की उम्र में भी इसका बाप काम करे और इसको अपनी सैलरी ला करके दे। मैं तो पूरी उम्र यही सोचता रहा कि कब मैं रिटायर होऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। तुझे पता है तेरी माँ और मैंने किराए के कमरे में पूरी जिंदगी बिता दी ताकि तुम लोगों को अच्छी एडुकेशन मिल सके, तुम लोग अच्छी जॉब कर सको। और आज रिटायरमेंट के पैसों से मैंने ये घर बनाया, एसी लगाया, तुम्हें गाड़ी ला करके दी, ये दिन देखने के लिए। जा बेटा जा, जाकर एक बार अपने दोस्तों से पूछ जो यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, बस से आना जाना करते हैं। पूछ उनसे कि पूरे महीने में वो कितना पैसा बचा पाते हैं। आज तुम्हारे खर्चे क्या हैं? गाड़ी, बिजली का बिल और बाकी सारे खर्चे, राशन पानी सब मैं अपनी पेंशन से देता हूँ। और तो और तुम्हारी शादियां भी मेरे पैसों से हुई है। इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुमसे ये बातें सुनता रहूं कि मैं कोई काम नहीं करता। और अगर ऐसे ही मुझे इस घर में रहना ना, तो दे दे मुझे इस घर का किराया, दे बिजली का बिल, दे मुझे गाड़ी की ईएमआई, दे सकेगा तू? सारी जिंदगी मैंने और तुम्हारी माँ ने एक पल भी सुकून का नहीं जिया। पता है क्यों? ताकि हमारे बच्चे सुकून से रह सके, अच्छी तरह से जी सके। 40 साल की कमर तोड़ मेहनत के बाद आज अगर मैं 2 पल आराम से बैठ जाऊं तो वो भी रास नहीं आ रहा तुम्हें। मैं क्या करता हूं? सुबह और शाम की 2 वक्त की रोटी खाता हूं और वो भी अपने पैसों से, वो भी तुम्हें रास नहीं आ रहा। तुम क्या चाहते हो कि मैं कोल्हू का बैल बना रहा हूं? बेटा तुझे आज ये बात समझ नहीं आएगी। जब तू 7 साल का होगा ना और तेरा बेटा तुझसे ये बात पूछेगा तब तुझे ये बात समझ आएगी। खैर मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुझे यह कभी दिन देखने को ना मिले। पापा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पे निछावर कर देते हैं। क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने?